पीसेस डाल दें, खाना लगने का फिर लेते हैं। Thank you.
कोई नहीं एक दिन के लिए चल जाता है केवल महाराज वो की मूर्ति खाते हैं वेट कितना यह महाराजा बुक की फर्स्ट एनिवर्सरी मुझे बहुत बहुत खुशी है मलाट में है और मेरा घर भी मलाट में है तो बहुत फास्ट होती हैं चीज़ें बहुत अच्छा वेज खाना खाने को मिलता है प्लस मैं महाराजा बुक के साथ पहले भी एसोसिएट रह चुका हूँ मेरे एक ऑर्फनेज जिसके लिए मैं देखने की कोशिश करता हूँ बच्चों को उन्होंने अभी लास्ट टाइम मेरे सारे ही बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाया था उनको बहुत दुआएं मिली आई होप दैट महाराजा बुक के हर आउटलेट की बहुत सारी एनिवर्सरीज हों और वैसे अच्छे काम करते रहें आलू की सब्ज़ी आलू की सब्जी यहाँ एज यूजुअल मैं आलू का फ़ैन हूँ बहुत तो मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है ये आपको याद आती है मैं बिग बॉस मेरा घर रह चुका है 3 महीने तक और मैंने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है काफ़ी कुछ सीखा है वहाँ पे उतार चढ़ाव के साथ तो आपको हमेशा अच्छा लगता है जब आप वापस जाते हो जहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटा होता है और अब मैं अपना खुद का शो स्टार्ट कर रहा हूँ एस ऑफ स्पेस MTV पर और उसमें मेरे घर में कुछ लोग आने वाले रहने के लिए दिवाली छोटी होती जाएंगी लोग अंदर फंसे होंगे तो आई थिंक इट्स गोइंग वेरी एक्साइटिंग टू सी कि वो लोग कैसा बिहेव करते हैं और किस तरह से रहते हैं यह मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है अभी गेम ना बहुत ही ऐसे स्तर पर है जहाँ पर हर कोई अपनी तरफ से समझ रहा है गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है तो लेट्स सी आई एम नॉट येट श्योर मेरा कोई फेवरेट नहीं मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वहाँ पर
तो मैं अब ऐसे एक फेवरेट बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी देखना है और की नहीं देखिए ना कैप्टिव रियलिटी शो जैसे एक लव स्टोरी होती है तो बहुत अलग अलग तरीके की लव स्टोरी कहानी बेसिकली एक लड़के लड़की की होती है उसी तरीके से कैप्टिव रियलिटी शोज जो होते हैं चाहे वो सर्वाइवर सीरीज हो चाहे वो बिग बॉस हो चाहे वो एस एफ स्पेस हो वो सब ऐसे ये शोज़ होते हैं जहाँ पर कुछ लोगों को एक जगह में रख दिया जाता है जहाँ से वो निकल नहीं सकते उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं कुछ सिमिलर होती हैं कुछ अलग होती हैं तो एस ऑफ स्पेस भी ऐसा शो है जहाँ पर कुछ लोग होंगे एक घर होगा जहाँ वो चीज़ें कर रहे होंगे लेकिन बस डिफरेंस ये है कि वो घर छोटा होता रहेगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा पर हाँ ऑफ कोर्स अगर किसी को गेम जीतना होता है तो एक ही जीतता है बाकी लोग एक एक करके कम तो होते हैं देखना पड़ेगा बिल्कुल 20 तारीख से आ रहा है थैंक यू सो मच एक सवाल और आशीष महेश्वरी जी के लिए कोई मैसेज यहां के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष महेश्वरी जी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदुस्तानी सभ्यता को एक बहुत ही फॉर्मलाइज तरीके से बाहर लाना और खाने को इतना स्वाद तरीके से खिलाना लोगों को बहुत अच्छा होता है और साथ में इतना अच्छा सोशल वर्क करना लोगों का ध्यान रखना बहुत अच्छी दुआएं भी मिलती हैं और अच्छी चीज़ें भी होती हैं आई रियली रियली होप आपका ब्रांड बहुत अच्छा चले और बहुत अच्छा काम करे थैंक यू हाँ डेफिनेट बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ ऑलमोस्ट आई कीप ऑन कमिंग बट दिस पर्टिकुलर प्लेस आई हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स अमेजिंग आई मीन द फूड इज नाइस एंड दे हैव कंप्लीटेड वन या या इट्स गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम सबसे बेस्ट पार्ट लगा द वे दे वेलकम एंड द हॉस्पिटैलिटी दैट इज़ द बेस्ट थिंग और सबसे बड़ी बात है घर पे जो माँ करती है ना नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा एक और दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस कि एक और ले लीजिए दैट 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 गिव्स यू अ बूस्ट टू ईट यू नो आज जो मैंने खाया इनमें सबसे बेस्ट सारे ही अच्छे थे बट देन द बेस्ट वन वॉज द हलवा हलवा एंड द जलेबी आई एम अ बिग स्वीट पर्सन सो आई लव इट पर्सनली मुझे आई एम अ बंगाली गाय सो आई लव नॉन वेज आई लव नॉन वेज आई मीन आई कैन ईट नॉन वेज एवरी डे बट देन वेन यू गेट अ ब्रेक एंड यू कम टू सच अ प्लेस एंड यू गेट सो मेनी वेज आइटम्स सो इट्स अमेजिंग टू हैव दैट बिग बॉस मैं इस बार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एवरी डे शूट रहता है तो 9 बजे है तो बाई द टाइम आई कम इट्स ओवर सो आई एम नॉट बीन एबल टू हाँ मतलब नहीं यार मतलब इतना टाइम तो मिलता नहीं आजकल बट पिछले सीज़न में मैंने देखा था इट वाज अ वेरी नाइस शो एंड आई एम होपिंग ये बार इस बार भी बहुत अच्छा हो एक्चुअली कहना क्या चाहूँगा मैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं उस बारे में तो मैं कहना नहीं ओपिनियन मैं देखो उस बारे में मैं ओपिनियन दे सकता हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ पता हो इनकी जोड़ी मतलब जसलीन आई डोंट इवन नो हु इज़ जसलीन आई मीन सी टू बी वेरी ऑनेस्ट तो ना तो मैंने कंट्रोवर्सी के बारे में सुना है और ना ही मतलब देखा है बट आई जस्ट की अच्छा हाँ ओके दैट कपल ओके हाँ सी आई डोंट नो अबाउट देम बट देन या आई मीन लव इज़ लव आई मीन देर इज़ नो एज बाउंड्रीज एंड ऑल तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार आई मीन पीपल शुड एक्सेप्ट इट द वे दे लव एंड दैट्स देयर पर्सनल लाइफ सो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू यार जी by God's grace Gooddan is doing really good I mean aaj ki TRP aayi hai and it's increasing and it's doing very well we all are proud we all work very hard and jab uske respond mein you know when you get the
ऑडियंस लव, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू गेट. तो हमें वो मिल रहा है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है, तो हम बहुत खुश है. एंड वी आर यू नो इट्स इन्फ्लुएंसिंग अस. एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट अलग है. और जब ऐसी मतलब ऑडियंस का प्यार मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि आप और अच्छा काम करो और अच्छी ज़्यादा मेहनत करो ताकि शो और अच्छा हो, लोगों को और पसंद आए. या कीप लविंग अस, डू कम टू दिस प्लेस एंड ईट फूड, इट्स नाइस. डू कम एंड या लव यू गाइस. Happy that I'm here right now and एक साल पूरा हो गया है इस outlet का, तो आपको बहुत बहुत बधाई है. और आप जो मतलब जिस टाइप का खाना है, जिस टाइप के लोग हैं यहाँ के, they're just amazing. So thank you so much. Thank you. ले लो आराम से, ले लिए. हेलो जी, बिल्कुल. महाराजा भोग एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो इंडियन परंपरा को आगे बढ़ाता है, फैमिली गैदरिंग्स एंड फैमिली टुगेदरनेस को आगे बढ़ाता है. तो मुझे इसलिए महाराजा भोग बहुत पसंद है. स्पेशली नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो जहाँ पर वेजिटेरियन खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है. एंड बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड है यहाँ पर. एंड बहुत सबसे बड़ी बात, बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं और खिलाते जाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है प्यार है, जो यहाँ पर कूट कूट के भरा हुआ है. बिकॉज सारे स्टाफ मेंबर्स बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं. पेट भर गया तो भी जैसे मम्मी खाना खिलाती है घर पे कि नहीं खाना ही पड़ेगा, खाना पड़ेगा लास्ट बाइट, तो वैसे खाना खिलाते हैं. एंड ऑब्वियसली खाना बहुत 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 टेस्टी है, बहुत वेराइटी भी है. एक चीज़ तो बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं बोलूँगी कि जो रोटी थी उसके ऊपर गुड़ एंड घी का जो कॉम्बिनेशन था, आई थिंक वो रोटी भी कोई स्पेशल रोटी है. हाँ, नॉर्मल रोटी नहीं है. तो आई थिंक वो जवार की या कुछ ऐसे बाजरे की, सम अदर ग्रेन, तो मुझे वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा. पहली बार खा रही हूँ. I love food. I absolutely love food. शायद आपको देखकर ऐसे नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ घर पे, बहुत वर्कआउट करती हूँ, बहुत योगा करती हूँ. But I absolutely love food, food and especially Indian food. I'm a big fan and I can eat it all day long. जी? Big Boss मैं इस सीज़न इतना नहीं देख रही. लास्ट सीज़न मैंने कुछ बोल दिया था और मैं ट्रबल में पड़ गई थी, यानी किसी के बारे में कुछ बोल दिया था, तो इस बारी में बिल्कुल देख ही नहीं रही. चाहे मैं घर पे देख भी रही हूँ, लेकिन कैमरा के लिए और टीवी के लिए मैं नहीं देख रही हूँ. अच्छा, कोई फेवरेट कंटेस्टेंट जो मेरे वाले झूठ भी मुझसे बोला नहीं जाता. करणवीर, आई थिंक आई रियली लाइक करणवीर. आई लव हिज ट्विन्स और उनके जो बच्चे हैं दो, बेला एंड वियना. आई रियली रियली फॉलो देम on Instagram and I absolutely love Karanveer as well. वो बहुत अच्छे से समझदारी से सब कुछ सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो बस मुझे वो बहुत पसंद है और मैं इतना ही बोलूँगी. नहीं नहीं, बस इतना ही. अच्छा, अगर बिग बॉस में आपको जाने का चांस मिले तो क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं जाना चाहूँगी. वो सलमान कॉल करके कहे तो पर्सनली सलमान करे तो मैं बिग बॉस में क्यों जाऊँगी? मैं उनके साथ महाराजा भोग में आ जाऊँगी खाना खाने. आप सबको विश यू अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि. अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिएगा एंड महाराजा भोग में आके खाना खाइएगा. थैंक यू.
मारने के लिए यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज बहुत कम जगह वेज खाना बहुत अच्छा मिलता है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आज यहाँ पर आई हूँ. मेरी फैमिली बहुत खुश है कि नवरात्रि के टाइम पे हमने इतना अच्छा वेज खाना खाया. यार मैं बहुत फूडी हूँ, मैं खाती बहुत हूँ, लगता नहीं बात अलग है, मैं जिम भी नहीं जाती, लेकिन यार मैं ही फूडी एंड माई फेवरेट फूड कढ़ी चावल.
यार कढ़ी बहुत अच्छी लगी एंड स्पेशली मुझे रोटला अच्छा लगा, जो रोटले में घी था एंड गुड़ था, इट वॉज रियली गुड। यहाँ की द बेस्ट पार्ट इज़ या एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी, द वेलकमिंग पार्ट, बिकॉज मेरा भाई मुझे वही बोला था, ऐसा लगता है कि हम इनके दामाद हैं जिस तरह से खाना खिलाते हैं, एक और खा लो। तो शानू बोल रहा था कि जैसे मेरी मॉम मेरे जीजू को खिलाती हैं वैसे ये लोग हमें खिला रहे हैं, तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। या जेन्युइनली रोज़ फॉलो कर रही हूँ और जो एपिसोड मिस कर देती हूँ वो डाउनलोड करके देखती हूँ। दीपिका को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जिस तरह से खेल रही हैं वो जेन्युइन खेल रही हैं, वो बिल्कुल वैसी ही हैं रियल लाइफ में, तो आई विश कि वो जीत कर लौटे। नेहा देगी फॉर श्योर, नेहा बहुत, हाँ बिकॉज नेहा काफ़ी स्ट्रांग हैं और नेहा सभी टास्क बहुत अच्छे से करती हैं, तो मुझे लगता है नेहा काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर हैं दीपिका के लिए और फाइनल में मैं नेहा को भी देखती हूँ साइमल्टेनियसली उनके साथ, दीपिका को देखती हूँ पहले तो नेहा को देखती हूँ। और जोड़ी में अगर कहूँ तो मैं यार थोड़ा डिफिकल्ट है, पर दोनों बहनें भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली खेल रही हैं, तो आई थिंक सना और सुमीत कैन ऑल्सो कम। सी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो काफ़ी हैपनिंग कपल हैं और लोगों को बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं लोग उनसे, और ऐसी जोड़ी या ऐसे लोग ज़रूर बिग बॉस में या हर जगह बहुत फेम कमाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके चांसेस बहुत कम हैं निकलने के, बिकॉज लोग उनसे काफ़ी इंस्पायर हैं और उन्होंने प्रूव कर दिया कि प्यार कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, सो आई थिंक बहुत कम चांसेस हैं कि उनको जल्दी बाहर निकलने के। दीपिका के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि शी इज़ वेरी जेन्युइन, वो जो भी कर रही है बहुत जेन्युइनली कर रही है, प्लीज़ सपोर्ट हर एंड आई रियली विश कि वो जीत कर लौटे। सर आप बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत बधाइयाँ इनको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ एंड थैंकफुली कि मुझे बुलाते रहते हैं। एंड एक्चुअली मुझे जो मोटा किया है ना, मेरा जो ये फेस मोटा हो रहा है अभी, वो इन्होंने ही किया है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मैं यहाँ पे कम से कम 30 बार आ चुका हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं बहुत फूडी हूँ पर कंट्रोल बहुत करता हूँ, डाइट पे रहता हूँ मोस्टली, तो इसलिए मेंटेन रखना पड़ता है, वरना सृष्टि और मैं दोनों फूडी हैं। अगर हम दोनों एक्टर्स नहीं होते तो शायद हम दोनों कहीं मोटे मोटे से कहीं घूमते फिरते मिलते आप लोगों को।
मुझे यहाँ का बेस्ट पार्ट लगता है कि जिस तरह से ये लोग अपनी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं ना, जब कुछ खाना आता है ना, तो दे जो वेटर्स होते हैं यहाँ पे वो कुछ साइन देते हैं, कुछ मंगाना होता है तो दे यू नो दे डोंट कॉल फॉर अ वेटर, दे जस्ट गिव अ सिग्नेचर, तो वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो चीज़ दे देते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि आपको वैरायटी बहुत है यहाँ पे खाने की, मतलब आपको नॉर्मली व्हेन यू गो टू अ इंडियन रेस्टोरेंट आप बैठते हो, आप सोचते हो क्या खाऊं क्या खाऊं, यहाँ आप खाली बैठो सामने थाली लगेगी आपको पूरी, मतलब दावत दी जाएगी आप आओ खाओ, और बहुत दिल से खिलाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सृष्टि बहुत ही अच्छा गेम खेल रही है, आई एम प्राउड ऑफ हर, बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, अकेले इंडिविजुअल गेम खेल रही है एंड आई वॉन्ट हर टू विन द ट्रॉफी। नोक छोक तो होती रहेगी, बिग बॉस है तो नोक छोक होती रहेगी, देखते हैं अभी हाउ सृष्टि फेसेस एवरीबॉडी, पर हाँ शी इज डूइंग क्वाइट वेल। कोई नहीं। टॉप थ्री में मैं अगर देखता हूँ तो मैं सिर्फ तीन लोगों को देखता हूँ और वो है करणवीर बोरा, श्रीसंत और सृष्टि रोड, क्योंकि वो दोनों अभी एज सच मुझे सिर्फ तीन ही लगते हैं, मैंने आज भी मैंने ट्वीट किया हुआ है, क्योंकि सृष्टि रोड, श्रीशांत और करणवीर बोरा तीनों मुझे अब तक बहुत अच्छे दोस्ती निभाने वाले लोग लग रहे हैं और बहुत अच्छा वो लोग बहुत अच्छी एक डिग्निटी मेंटेन करी हुई है, अच्छी गेम खेल रहे हैं अब तक, अभी आगे जाकर कौन क्या गलती करता है और मेरे शायद प्रेफरेंसेस बदल जाएँ, तो अब तक ये तीनों मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएंगे। सृष्टि के लिए कि यही कहना चाहूँगा कि आपने अब तक खाली उनको लाइक दिया है और फॉलो किया है, अब उनको वोट करो।